गोलाटा निवासी दीपक मंडलोई पिता अपनी पितृक विगत 35 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से इनकी खेती पर बुरी नीयत से इनके खेत के पड़ोसी भगवान किशोर के द्वारा दीपक मंडलोई के खेत पर कब्जा हो जाए। ऐसी नीयत से खेती के मुख्य स्रोत पानी सप्लाई के नर्मदा पाइपलाइन पर कब्जा कर अपनी दबंगता से पाइपलाइन पर रोक लगाने पर गाली गलौज कर धमकी दे रहे हैं। दीपक मंडलोई ने अंजड़ पुलिस में भी जानकारी दी, पर कोई हल नहीं निकला। आखिर में परेशान होकर बड़वानी कलेक्टर जन सुनवाई में न्याय के लिए आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। बड़वानी से संजय बामानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पिता बादाम सिंह मंडलोई है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं ग्राम गोलाटा तहसील अंजड़ जिला बड़वानी। आज जो है कलेक्टर कार्यालय, आप जो जन सुनवाई में किस संबंध में आए आप? मैं दबंगों से परेशान हूँ, दबंगों ने मेरी पाइपलाइन पर कब्जा कर लिया है, जिससे मेरी ज़मीन सूखी हो गई है, मैं खेती कैसे करूं? दबंग है हमारे गांव के भगवान सिंह पिता किशोर सिंह जाति राजपूत और मोतीलाल पिता हीरालाल निवासी छोटा बड़दा। इन्होंने मेरी पाइपलाइन पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले इन्होंने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया था फर्जी स्टाम्प डॉक्यूमेंट बना के, और अब भी फर्जी स्टाम्प डॉक्यूमेंट बना के मेरी पाइपलाइन पर कब्जा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियाँ देते, और मुझे मारने का प्रयास भी किया गया। अंजर थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, अंजर पुलिस वाले भी दबाव बनाते कि पाइपलाइन उसकी है उसको दे दो, और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। और संबंध में तो आपने प्रमाणीकरण दिया कि भाई पाइपलाइन आपकी डली हुई है फुल? मैंने सारे सबूत दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। 35 साल से मैं बिल भर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन है, 35 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये जमीन किसके नाम से थी खेती? ये जमीन है अमृताबाई पति बादाम सिंह के नाम से। अच्छा, कब से जमीन आपको? पुश्तैनी जमीन है? हाँ, पुश्तैनी जमीन है। वो जबरदस्ती को दबाव बना रहे हैं? वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पाइपलाइन हड़प लेंगे तो जमीन इनको बेचना पड़ेगी, जमीन फिर खेती कैसे करेंगे, पानी नहीं रहेगा इनके पास तो, और जमीन बंजर हो जाएगी तो। हाँ, जमीन बंजर बनाना चाहते हैं। एसपी साहब के थाने पे भी? पुलिस अधीक्षक के पास मैंने, थाने पर तो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, बाकी एसपी साहब के यहाँ हमने आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में हमको बयान लेने के लिए भी नहीं बुलाया जाता, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, नहीं तो किसी दिन हमारी जान को खतरा है, और हमारी जान जो अगर चली जाती है, इसके जिम्मेदार भगवान सिंह पिता किशोर सिंह पटेल ये और इनका परिवार और मोतीलाल पिता हीरालाल पाटीदार निवासी छोटा बड़दा ये जिम्मेदार होंगे।